किशनगंज पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा, हत्यारे गिरफ्तार। मृतक का विश्वासघाती दोस्त और उसका मामा निकले आरोपी। मृतक जितेंद्र भी शराब पीने का आदि और आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसकी पत्नी भी काफी परेशान थी, उसे पाने के लिए रचा था हत्यारे दोस्त ने षड्यंत्र। थाना सोनकच निवासी जितेंद्र गोकुलनाथ अपने घर से दोस्त शंकर रामदास बैरागी निवासी जावर के साथ गया था। रात को वह घर वापस नहीं लौटा। दो दिन तक जब घर नहीं आया तो जितेंद्र की पत्नी ममता बाई के द्वारा थाना सोनकच पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बटकुंड के जंगल में एक सड़ी हुई लाश बरामद हुई, जिसके बाद ममता बाई के द्वारा लाश की शिनाख्त अपने पति जितेंद्र भील के रूप में की गई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जितेंद्र के साथ अंतिम बार शंकर बैरागी एवं उसके मामा राजेश बैरागी देखे गए थे। सूचना के आधार पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इनके द्वारा जितेंद्र नाथ की हत्या करना स्वीकार किया गया है। जितेंद्र शराब पीने का आदि था एवं आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसकी पत्नी ममता बाई काफी परेशान थी। शंकर ने सोचा कि यदि वह जितेंद्र की हत्या कर देता है तो ममता उसके साथ आकर पत्नी बनकर रहेगी। इसी सोच के आधार पर शंकर व उसके मामा राजेश ने जितेंद्र को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। सोनकच से दीपक झाला की रिपोर्ट। हुआ था और पुलिस ने किस तरह इस घटना के अंजाम तक पहुंची सर? क्या देखिए, जून के महीने में जितेंद्र नाथ नामक व्यक्ति जो है वो उसकी पत्नी द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उस आधार पर तलाश की गई। लाश वहीं पास के जंगल में मिलती है। लाश का पोस्टमार्टम इंदौर में होता है। उस पर से ये पाया गया कि हत्या हुई है और उसको गर्दन को जलाया गया है। उस आधार पर हत्या का प्रकरण और साक्ष्य को छुपाने का और आपराधिक षड्यंत्र का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आज रात में मुखबिर की खबर के आधार पर दो आरोपी शंकर बैरागी और राजेश बैरागी को गिरफ्तार किया गया है। घटना में उनको न्यायालय में प्रस्तुत करके घटना में प्रयुक्त भौतिक साक्ष्य बरामद किए जाएंगे। साक्ष्य बरामद किए जाएंगे। क्या वजह थी उन्होंने हत्या करी थी, क्या बताया? कारण यह है कि जो मृतक जो आरोपी है शंकर बैरागी, वो मृतक की पत्नी ममता को प्राप्त करना चाहता था। उसका ऐसा सोच था कि अगर ये इसकी हत्या हो जाए तो उसकी पत्नी को हासिल कर सके। इसी आधार पर हत्या को अंजाम दिया। सर क्या कोर्ट में आगे पेश किया जाए?